हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या चला, आई होप अच्छे होंगे। तो मेरे भाई लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि हमारे प्यारा जो ऑफिसर भाई का दोस्त था, मैंने उसका एंड तो कर दिया, बट यार वो जाते जाते हमारी बहुत ही मुसीबतें बढ़ाकर चला गया। उसने 7 बंदे मेरे लिए तैयार करे हैं जिनके अंदर कुछ अलग ही शक्तियां है। भाई 2 बंदों को तो मैंने देख लिया, बड़े ही खतरनाक है। आप लोगों ने देखा था, एक बंदा करंट मारता था यार, वो करंट मारने वाला बंदा मेरे को दूसरे से भी खतरनाक लगा, क्योंकि उसके पास जाती भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, वेपन से नहीं निकाल सकता, शौक ही शौक लगे जा रहा था ट्रेवर को। उसके आगे तो हम बिल्कुल भाई कुछ भी नहीं कर सकते, जब वेपन नहीं निकाल पाएंगे तो उसको मारेंगे कैसे। और वो टेलीपोर्ट वाला बंदा, उसको मैंने मारने की कोशिश करी और एक चीज मेरे को पता चल गई, एलियन गन से वो बंदा डरता है। मैंने उसके ऊपर आरपीजी मारी, बहुत सारी गोलियां मारी, असर नहीं हुआ, बट मैंने एक एलियन गन मारी बंदे को, भाई मुझे लगता है डर लगा उस गन से या फिर इसको चोट लगी होगी, और वो भाग गया टेलीपोर्ट करके वहां से, निकल गया पतली गली से। तो इसका मतलब वो एलियन गन से मर सकता है। तो बाबा से मैं सारी की सारी बात को बताऊंगा और बाबा को बोलूंगा कि बाबा आप प्लीज मेरे को ऐसा तरीका बताओ या कुछ भी ऐसी चीज बताओ जिससे मैं इन सभी को मार सकूं। ऐसे बाबा बहुत खतरनाक बंदे, सब कुछ मेरे को बता ही देगा, कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं। और लेस्टर भाई लगा हुआ है सुबह से शाम, बेचारा रेस्ट भी नहीं कर रहा, उस फॉर्मूले के ऊपर भाई रिसर्च करे जा रहा है कि आखिर इस फॉर्मूले को हम ट्रेवर के ऊपर यूज कैसे करें। एक बार वो फॉर्मूला ट्रेवर के ऊपर यूज हो गया ना, फिर तो भाई इन 7 बंदों को हम घुमा घुमा के मारे हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारा ड्राइवर भी सुपर हीरो बन सकता है उसके बाद। तो लेस्टर को जैसे कुछ मिलेगा वो मेरे को फोन करके बता देगा। फिलहाल अभी भाई मैं जा रहा हूँ हमारे प्यारे चोर के पास। चोर ने मेरे को बुलाया, वो बोल रहा है कि हमें भाई एक नया बंदा मिला है जो हमारी कार्स को खरीदेगा। आपको पता है मैं कार्स का बिजनेस करता हूँ, तो वो भाई बंदा खरीदने के लिए तैयार है कार्स को, और बहुत ही अच्छे रेट में बिकवाएगा सारी कार्स को, और बहुत कम पैसे लेगा बिकवाने के। तो यार सही, अगर ऐसा हो जाएंगे तो पैसे आने शुरू हो जाएंगे, कि अभी हमारी कार बिक नहीं रही, कोई हमें बंदा मिल नहीं रहा जिसको हम कार बेचे। अगर ये बंदा मान जाता है और इसके साथ हमारी डील फिक्स हो जाएगी तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो फिलहाल अभी चोर के पास चलता हूँ और डील को फिक्स करके आता हूँ। तो भाई अगर आप चैनल पे नहीं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके उसको ऑल पे सेट कर दो। भाई अगर तक आपने मेरे सेकंड चैनल को चेकआउट नहीं किया, बाद में जाकर उसको चेकआउट कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे, मैं उस पर जीटी की वीडियोस डालता हूं और इसका नेक्स्ट पार्ट शाम को 5 बजे उसी पर आने वाला है, तो उसको जाकर के चेकआउट कर लेना। भाई इस वीडियो का लाइक्स कम रखेंगे हम 15,000, उसको पूरा करा देना। ओके, पहुंचता हूं मैं चोर के पास। तो भाई हमारा प्यारा चोर कार में आकर के बैठ चुका है, इसने मेरे को बता दिया कि भाई कौन है वो बंदा जो हमारे साथ डील करना चाहता है। वो भाई हमारे शहर का नया ऑफिसर है, कल मैंने ऑफिसर को मारा तो आज ही हमारे शहर में नया ऑफिसर आ चुका है ट्रांसफर होके। तो उसको पता चला होगा कि मैं कार का बिजनेस करता हूं, तो उसने सीधा चोर को फोन लगाया और चोर से बोला कि मैं ड्राइवर भाई से मिलना चाहता हूं, आपके कार बिजनेस को मैं और भी बढ़वा सकता हूं, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं पानी में, मैं आपकी सारी की सारी कार्स को दूसरे शहर में एक्सपोर्ट करवाऊंगा और अच्छे आपको पैसे मिल सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आ जाइए मेरे साथ, बात कर लीजिए आकर के, मैं आपको बहुत ही अच्छी डील बताऊंगा। अगर आपको पसंद आती है तो ओके करना, नहीं तो आपकी मर्जी। चलो और ऐसे चल के बात करते हैं। अगर बंदा कह रहा है, अगर देखो धोखा करेगा तो उसको मार देंगे, हमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बट अगर बंदा भाई अच्छा निकला तो हमारी सारी कार्स बिक जाएंगे। यार खड़े खड़े खराब होने लग रही है वो, कोई फायदा नहीं उन चीज का। तो जल्दी से पहुंचते हैं ऑफिसर के पास और बात करके आते हैं। भाई हमें जगह पर पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमें ऑफिसर मिलने वाले। वाह भाई वाह, बहुत बड़ी टीम लगा के रखी उन्होंने। तो भाई ये है हमारे नए ऑफिसर, उनके बदले में आए जिनको मैंने कल मारा था। तो चाचा जी क्या हाल चाल है, आपको सारी बात तो पता ही है मैं कार का बिजनेस करता हूँ, तो आप बताओ मुझे पर कार के कितने पैसे दिलवा सकते हो। और बिल्कुल भी धोखा मत करना, आपको जितना स्टॉक चाहिए उतनी कार हम आपको देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, कार बहुत ही ज्यादा पड़ी हुई है। भाई बंदा बहुत ही अच्छा ऑफर दे रहा है, बोल रहा है कि मैं आपकी एक गाड़ी का आपको 1.5 लाख दिलवा सकता हूँ। भाई मेरी गाड़ी आपको पता ही है 50,000 में बनके तैयार हो जाती है, और ये 1.5 लाख में बिकवा रहा है, मतलब कि एक गाड़ी पे 1 लाख का प्रॉफिट, सही है। और ये बोल रहा है कि मैं एक कार के आपसे सिर्फ 10,000 रुपए लूंगा, मतलब कि एक कार बिकेगी 1.5 लाख रुपए आएंगे, उसमें से 10,000 इसको देने हैं, तो हमें मिलेंगे 1.40। यार अगर पर कार के 10,000 भी ले रहा है तो कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है यार, मेरे को तब भी 90,000 बच रहे हैं यार, बहुत ही ज्यादा है, बहुत फायदा होगा। पिछले वाला बंदा मेरे को बोल रहा था कि मैं आपको एक कार के 1 लाख दूंगा, कद्दूस ने कुछ नहीं दिया भाई, धोखा और कर दिया हमारे साथ। अभी ये बंदा अगर सही बोल रहा है, अगर ऐसे इसने काम करते जैसे बोल रहा है तो बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है चाचा, डील फिक्स करते हैं, आपको जब भी कार की जरूरत होगी मेरे को बता देना, सारी कार्स मैं पहुंचवा दूंगा आपके पास और पैसे अकाउंट में पहुंचा देना आप, ठीक है। बंदा मेरे को सही लग रहा है भाई, वैसे देखते हैं यार ये बंदा, काश यार बिल्कुल सही निकल जाए, धोखा ना करे, तो पैसे बहुत आने वाले। चोर मेरे भाई चल निकलते हैं, ऐसे बात हो गई है, कमाल का बंदा निकला भाई। तो भाई अभी चोर मेरे को बोल रहा है कि ट्रेवर भाई मुझे आपसे एक बंदे को और मिलाना है, जिस बंदे का नाम है डैनी, उसने भी अभी अभी कार का बिजनेस स्टार्ट किया है, उसने कुछ पैसे लगाए हैं, तो वो कोई अच्छा सा डीलर ढूंढ रहा है जो उसको कोई कार दे सके और वो कारों को आगे बेच सके, उसके भी कॉन्टैक्ट्स अच्छे मैंने पता किया, तो वो भी आपसे मिलना चाहता है कार के लिए, आप उससे चल के बात कर लीजिए, अगर उसकी डील भी हमें पसंद आती है तो फिक्स कर लेंगे, 2-2 बंदे को कार बेचेंगे ताकि और पैसे आ सके, फिर हम आराम से इस बिजनेस को पक्का कर लेंगे, ताकि पूरे शहर में हमारी ही कार चले। यार इतने सस्ते में कौन कार बेचता है, देखो तो सही, 1 लाख 1.5 लाख की हम कार दे देते हैं, इतने तो बाइक आती है, तो सही बात है। तो चलो भाई डैनी के पास भी चलते हैं। भाई मैं पहुंच चुका हूँ बंदे के पास मिलने के लिए, बंदा तो हमारी कार की फैक्ट्री पर ही आ गए जहाँ पर हमारी कार खड़ी रहती है। अरे वाह भाई वाह, चलो ये भी मिलते हैं, अच्छी बात है यार, हमें कहीं जाना नहीं पड़ा।
अभी कौन है ये डैनी भैया हमारे कहाँ पर खड़े हुए? ओके भाई सामने खड़े हुए, चलो आराम से चलता हूँ। अरे मेरे प्यारे डैनी जी अकेले ही आ गए, कोई गार्ड्स वार्ड्स नहीं आपके पास? मुझे लगता है बंदे के पास ज्यादा पैसे नहीं है। अबे मेरे भाई तो कार खरीद भी लेगा और बेच भी देगा, इससे क्या कॉन्टेक्ट? चोर, तेरे को गलत खबर तो नहीं मिली? अबे कोई गार्ड भी नहीं इसके पास, ये तो अकेला ही आ गया और ले सुट्टे मारने में लगा हुआ है। मुझे तो इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं लग रहा, देखो तो सही। हेलो मेरे प्यारे भाई चाचा, क्या हाल चाल है डैनी जी? भाई डैनी चाचा से बात हो चुकी है, डैनी चाचा बोल रहे कि ड्राइवर भाई मैं आपकी 1,20,000 में एक कार बिकवा दूंगा, मतलब कि 30,000 कम दे रहा है ये ऑफिसर से 1,20,000 की। वैसे यार देखा जाए तो अभी मेरे को प्रॉफिट ही है, 70,000 बचने वाले हैं, 50,000 में हमारी कार रेडी होती है, आपको मैंने बताई दिया। इसका रेट भी कम ही है यार, ज्यादा नहीं है, बोल रहा है कि मैं पर कार के 5,000 रुपए लूंगा। ये सही है भाई, ऑफिसर 10 ले रहा है, ये 5 भी मान गया, ठीक है भाई डील फिक्स करते हैं। चोर जितनी कार ये मांगे इसको दे दिया कर, कोई टेंशन नहीं है, और हिसाब रखा कर, बंदे मुझे भरोसा नहीं है। भाई अभी मेरे पास फोन आया हमारे प्यारे लेस्टर का, उसको एक भाई सॉल्यूशन मिल चुका है। वो मेरे को बोल रहा है कि ट्रेवर जल्दी से एक बंदे को ढूंढो जिसका नाम है डॉक्टर स्ट्रोंग, वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही इंटेलिजेंट डॉक्टर है, अगर वो हमें मिल गया तो हमें जरूर बताई देगा एक तरीका कि इस फॉर्मूला को हम कैसे यूज करें तुम पर, फिर हम तुम्हें भाई स्पेशल बना सकते हैं। जल्दी से ढूंढो डॉक्टर स्ट्रोंग को, मैंने पता कराया उनके बारे में, 5 साल से वो गायब है। 5 साल पहले उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, वो एक जगह पे काम करते थे, बट 5 साल से उनको कुछ अता पता ही नहीं है। भाई निकी से बात हो चुकी है, निकी बोल रही है कि ठीक है मैं पता करके बताऊंगी, बट उससे पहले ड्राइवर मेरा एक काम कर दो, तुम्हें याद ही होगा तुम एक दो दिन पहले तुम मेरे लिए एक इन्फॉर्मेशन लेकर आए थे पुलिस स्टेशन से, जिस बंदे का नाम था मिस्टर टिक्का, तो मैंने मिस्टर टिक्का की फाइलें चेक करी है। मिस्टर टिक्का इस वक्त एक आइलैंड पर बंद है और तुम प्लीज उसको उस आइलैंड से छुड़ा करके ला सकते हो। उस आइलैंड का नाम है बटिस्टा आइलैंड, बट फिलहाल उस आइलैंड के बारे में किसी को नहीं पता वो आइलैंड कहां पर है। सबसे पहले तुम्हें यह ढूंढना पड़ेगा कि वो आइलैंड तुम्हें कहां पे मिलेगा, उसके बाद प्लीज मेरे लिए मिस्टर टिक्का को लेकर आ जाओ। भाई यार निकी भी ना काम ही काम बताती रहती है मेरे को रोज, चले यार कोई बात नहीं उसका काम कर देते हैं, मिस्टर टिक्का को लेकर के आते। तो अभी टेरी को बोलता हूं, टेरी मेरे भाई एक आइलैंड है बटिस्टा आइलैंड, उसके बारे में मेरे को बता, आइलैंड का नाम तो देखो क्या रखते हैं बंदे, कुछ भी भाई। चलो अभी फोन कर देता हूं और सारी बात उसको बता देता हूं। भाई अभी मेरे पास फोन आया मेरे प्यारे माइकल का, वो बोल रहा है कि ट्रेवर फटाफट से घर पे आ जा, तेरे लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज है। कमाल है भाई, माइकल सरप्राइज दे रहा है, मुझे उम्मीद नहीं थी, अब तो जाना ही पड़ेगा उसके घर पे, मैं भी तो देखूं। एक नंबर का कंजूस बंदा है भाई, दूध वाले को भी पैसे नहीं देता, तो मेरे लिए क्या सरप्राइज लेकर क्या है, फिर तो जाना ही पड़ेगा, पहुंचता हूँ फटाफट से माइकल के घर पे। भाई मैं माइकल के घर पर पहुंच चुका हूँ। अरे माइकल मेरे भाई लगता है नई कार ले ली, तो अच्छा ये सरप्राइज है। तो माइकल मेरे भाई गाड़ी तुम ले रहे हो, और बता मेरे को सरप्राइज है तुम्हारे लिए, और क्या हाल है? तो नई कार लिए अपने लिए लिए किसी और के लिए लिए बता दे भाई मेरे को, गाड़ी अच्छी लग रही है यार, फरारी है ना, चलो देखते हैं एक बार फर्स्ट पर्सन में, अच्छी लग रही है। माइकल कितने की पड़ी मेरे भाई? भाई कमाल हो गया, माइकल बोल रहा है कि ये गाड़ी मेरी नहीं है भाई, ये डेविल की कार है, वही जो ऑफिसर से तुमने मंगवाई थी भाई, ये गाड़ी है, इसके लिए फुदक रहा था। अरे भाई साहब क्या कार है भाई, इससे अच्छी तो लैम्बोर्गिनी सियानी है, इतनी लंबी लंबी फेंक रहा था, चलो चला के टेस्ट करते हैं। माइकल भैया आ जा, देखते हैं कितना दम है इसकी कार में आज। भाई गाड़ी की स्पीड मुझे लगता है बहुत तेज जाने वाली है, क्योंकि देखो 300 तक पहुंच गई है, ये 400 भागने वाली है, एक तो साइलेंट मोड पे चली जा रही है, पता ही नहीं चल रहा कार चला रहा हूँ नहीं चला रहा हूँ, आवाज ही नहीं यार बिना साउंड इफेक्ट के, बड़ी अजीब सी लग रही है गाड़ी। बस 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 घूम जा थोड़ी सी, अब चेक करते हैं यहाँ पे कितनी जाएगी। भाई 350 चली गई थी, कार की स्पीड भी ठीक है भाई, 371 तक पहुंच रही है। भाई स्पीड छोड़ो, स्पीड तो हमारे में बहुत है, इससे तेज भागने वाली बहुत सारी कार्स पड़ी है और इससे खतरनाक भी है, बट भाई ये जो फीचर है ना इसमें आवाज ना करने का, ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी सच में, इसको लेकर के जाया करेंगे जहां पे मैं चुपचाप जाना हूं। देखो चल रही है नहीं चल रही पता ही नहीं चल रहा भाई, क्या है ये माइकल कमाल है, ओके 382 चली गई है और देखो पता भी नहीं चल रहा मैं क्या कार चला रहा हूँ नहीं चला रहा हूँ, अरे थोड़ी तो आवाज कर। सच में भाई ये फीचर मेरे को गाड़ी का बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अरे भाई टक्कर पे तो आवाज करती ना, हाँ टक्कर पे तो आवाज करती है भाई, ऐसी बात नहीं है। भाई अभी मेरे पास लेस्टर का फोन आया, लेस्टर ने बहुत ही कमाली खबर मेरे को दी है, वो अपने पापा की पुरानी फाइलें चेक कर रहा था हमारे प्यारे मिस्टर टेस्टर की, तो उसको एक और खतरनाक एक्सपेरिमेंट मिला है उसके पापा का। वो बोल रहा है कि भाई मैं इस एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करूंगा और देखूंगा कि एक्सपेरिमेंट काम करेगा या नहीं करेगा। उस एक्सपेरिमेंट को भाई काम में लाने के लिए मुझे उसको कुछ चीज ला के देनी पड़ेगी। वो मेरे को बोल रहा है कि ट्रेवर जल्दी से जा और हमारे शहर की सबसे पावरफुल बैटरी लेकर के आ, मतलब कि जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा हो। तो यार ऐसी बैटरी ढूंढने के लिए अभी मैं फोन करता हूँ हमारे प्यारे चोर को, चोर गाड़ियों का काम करता है तो उसको बैटरी की इन्फॉर्मेशन तो होगी। चोर मेरे भैया जल्दी से मेरे को बता सबसे पावरफुल बैटरी मेरे को कहाँ पे मिल सकती है। भाई मैंने अपनी फरारी ले ली है और मैंने वो फरारी कुछ दिन के लिए बोल दिया माइकल को कि माइकल मेरे भाई तू ही चला ले उसको, जब मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं देर से आकर के ले जाऊंगा, जब तक मजे ले कोई टेंशन की बात नहीं है। तो भाई चोर ने मेरे को ये भी बता दिया कि बैटरी मेरे को कहाँ पे मिल सकती है। हमारे शहर में जो कुछ बाइकर वाले हैं जो कुछ डेजर्ट के एरिया में रहते हैं वो इसी काम का भाई बिजनेस करते हैं, वो बैटरीज का ही काम करते हैं सारी की सारी, बाइक की बैटरी कार की बैटरी
तो वो भाई मेरे को जरूर बता देंगे भाई मैं बंदों की जगह पर पहुंच चुका हूँ। तो ये है वो बाइकर वाले, यहाँ पर तो शायद मैंने पहले बहुत बंदों को पीटा था, बट जब मुझे ये नहीं पता था कि ये बंदे भाई बैटरी इसका धंधा करते हैं। वैसे हमें पहले बैटरी की जरूरत थी भी नहीं, अभी पड़ी है। चा ज्यादा नहीं पिया करते, तबीयत खराब हो जाती है। बताओ बॉस कहाँ पर है, चल तू पी ले बेटे, जो कोई खाली खड़ा है उससे बात करेंगे। भाई ये बंदा मेरे को लगता है आराम से खड़ा हुआ है, और बॉस भी मेरे को लग रहा है इसका एटीट्यूड कुछ अलग है, और देखो बाकी बंदों से ही अलग है। ओ मेरे भाई क्या हाल चाल है। मेरे को चाचा ये जाननी है, आप बैटरी से काम करते हो ना, मेरे को कहीं से पता चली है? हमें पता तो चल ही जाता है, बहुत बंदे बताने वाले, तो मुझे बैटरी चाहिए जो सबसे ज्यादा पावरफुल बैटरी है हमारे शहर की। भाई चाचा देखो कितना कंजूस है, मुझसे बोल रहा है कि 5 लाख दो, तो बताओ 5 लाख रुपए मांग रहा है इन्फॉर्मेशन देने के। अरे भैया अभी लेता हूँ तेरे से इन्फॉर्मेशन, तो फ्री में देगा तू इन्फॉर्मेशन, क्यों टेंशन ले रहा है भाई 5 लाख रुपए। अरे भाई 1000 तो 1000 मांगता तो दे भी देते, 5 लाख रुपए ले ले बेटे, इतने की तो बैटरी ना आएगी जितने की तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है मेरे को। अभी करता हूँ तेरा इलाज में बेटे, रुक जा टेंशन ना ले। अबे खिड़की बंद कर बे ड्राइवर। ओके अभी करे भाई खेल शुरू। 5 लाख चाहिए इसको, सबसे पहले इसको 5 गोली मारूंगा मैं पैर में। है बेटे 5 लाख चाहिए तेरे को, 5 लाख चाहिए, ये ले 5 लाख अभी करूंगा। अबे बदतमीज कौन है तू? अरे भाई साहब यहाँ के रोड वाले, ये ले बेटे 5 लाख चाहिए तुम्हारे बॉस को, 5 लाख देखे तुमने कभी? ये ले सभी को मिलेगा। अरे मेरे भाई ले ले ना, अरे ले 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 ले, और कोई है? अरे भाई साहब बहुत बंदे हैं। अभी भाई वही तरीका शेख वाला अपना, ये लो मेरे प्यारे भाई खत्म कर देंगे वो भाई साहब। ये ले बेटे ये सही है भाई, ये चीज मेरे को बिल्कुल सही लगती है। देखो सारे बंदे ऐसे खत्म हो जाते हैं आराम से, मिनी गन की पावर बहुत मस्त है। अरे चाचा ओ भाई कोई बदतमीज टक्कर मार के चला गया, कौन था ये बदतमीज, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। भाई एक बंदा डंडे से मारने के लिए आया मेरे को। अरे 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 इसको गोली मत मारो यार, इसको मत मारो, इसको मैं मारूंगा डंडे से आराम से। अरे अरे बाहर निकल। भाई लगभग मैंने गोली वाले बंदों को मार दिया है, अभी आ रहा हूँ चाचा डंडे से लड़ेगा। अरे भाई साहब, अरे भाई मेरा जो बेल्ट है ना बहुत बुरा बजेगा तेरे में, मैं पहले बता रहा हूँ खत्म कर दूंगा। आने का नहीं बेटे, ये ले आया बंदा, कैसे घूम गया गोल गोल, अभी भी नहीं आया, अभी मारेगा। ये ले बेटे ओ भाई सॉरी सर, ले बेटे सर फोड़ दे इसको। ओ भाई आंटी आइए, क्यों मार रहा है मेरे बेटे का, छोड़ दे ड्राइवर। आंटी जी निकल ला पतली गली से, कौन है यार ये बदतमीज, फिर से आ गया कोई गोली वाला बंदा, पहले इसको ही कर देता हूँ मैं सीधा। अरे चाचा अच्छा। ओ भाई आंटी को देखो चाकू लेकर खाई है मेरे को मारने के लिए। अबे बेटे तुझसे खतरनाक था, आंटी है निकल ले यहाँ से। ओ भाई अरे पेट में चाकू मार रही है ड्राइवर के, देखो मैं इसको दिखाता हूँ फ्रंट पे। ओ भाई ये तो बड़ी खूंखार आंटी है, ऐसी आंटी से तो बच के रहना भाई। ये ले बेटी, ये ले, शर्मा नहीं रही बिल्कुल भी आंटी, मैं कह रहा हूँ मैं मारना नहीं चाहता, निकल लो यहाँ से। भाई देखो जिद कर रही है, अरे जिद करे जा रही है। ओ भाई साहब सच में बड़ी खतरनाक आंटी है भाई, अगर रात कोई भागने किसी के पीछे 12 बजे रोड पे भी चाकू लेके हाथ में तो बंदा बहुत ही बुरा डर जाएगा। आंटी आखिरी भाई, ए ले काम खत्म, बहुत बन रही है हीरोइन। अरे पहले तो ये बता आंटी तू खाती क्या है, इतना दम कहां से आ गया, 4 डंडे मैंने मारे तुझे, इसका असर ही नहीं पड़ रहा भाई बिल्कुल भी। ए ले आखिरी डंडा, आंटी तू भी क्या याद रखेगी ड्राइवर से पाला पड़ा है। अरे भाई भूतनी है तो आंटी तू जा, तुझे मैं नहीं मारता, तेरे को 5 डंडे मारे इसको फर्क ही नहीं पड़ता भाई, 2 तो सर पे मारे। अबे तो फिर आ गया बे, अरे कौन है ये बंदे? अरे भैया ये फैमिली तो कुछ अजीब ही है चीज है, अरे पागल हो भाई तुम लोग तो, इसको देखो 1 डंडे मर गया था, ये है जेन्युइन बंदा, इसको मैंने इतना मारा, ये आंटी को मैंने इतना मारा। आंटी जाओ माफ करो, मैं तो गलत मोहल्ले में घुस गया, प्लीज भाई मैं कभी नहीं आऊंगा यहाँ पे। भाई मैंने बाइकर वाले बंदे को बैठा लिया, बट आंटी फिर से आ गई है। अरे आंटी मान जा मैं कह रहा हूँ, इनके दोनों को पैर तोड़ के जाऊंगा मैं, अब ये भी मान नहीं रहे हैं बेटे, हैं मेरे को मारेगा? आंटी मैं तेरे को मारना नहीं चाहता था, बट तू भाई उल्टे काम कर दिए तो मरेगी। ये ले आंटी, ये ले बेटे, वह कितनी गोली खाओगे तुम लोग? आंटी प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। अरे 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 बेटे, ये ले बेटे, आहा बेटा तो गया, अब आंटी जाएगी, आंटी के पैर में मैंने गोली मार दी है, एक और मारूंगा आंटी के पैर तोड़ दूंगा मैं, आंटी बहुत मार रही है मेरे को आने। अरे भाई क्या खाती है ये आंटी? अरे भाई साहब मैं कह रहा हूँ एलियन गन चला दूंगा मैं, खत्म कर दूंगा मेरे को एलियन। ये ले आंटी टूटे पैर। अरे आंटी मरती क्यों नहीं है तू? भाई नहीं सच में यार ये कुछ और चीज है, ये सच में कुछ और चीज है यार, यहाँ पे आके मेरे को पता लगाना पड़ेगा ये आइटम है क्या। भाई देखो कितनी गोली मार दी, नहीं इतनी गोली कोई बंदा नहीं खा सकता। अरे रे 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 देखो 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 फिर से खड़ी हो गई, नहीं यहाँ पे कुछ पंगा है, इस घर में रहते हैं दोनों के दोनों, बाद में आके इस वाली मिस्त्री को भी चेक करना पड़ेगा कि आखिर ये कौन है। अब भाई देखो हुआ आंटी को असर जब मैंने सर पे गोली मारी, इस आंटी का तो राज मेरे को पता करना पड़ेगा, और इसके बेटे का। इस सामने वाले घर में से दोनों के दोनों निकल के आए हैं, तो यहाँ पे किसी दिन आएंगे फुर्सत में और देखेंगे क्या इनका राज है, इतनी ताकत इन दोनों में कैसे आ गई है। भाई आजा उठा ले डंडा, आंटी मानेगी नहीं।
अरे मेरे प्यारे भाई करवाले, प्लीज मेरे को जानना है यहाँ पे पावरफुल बैटरी कहाँ पे मिलने वाली है। भाई प्यारा भाई करवाला, बात इससे हो चुकी है, मेरे को बोल रहा है कि ट्रेवर भाई हमारे शहर में इस टाइप की बैटरी जैसी आप मांग रहे हो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होती, ये सिर्फ बैटरी गवर्नमेंट वाले ही रखते हैं, तो आपको ये चीज गवर्नमेंट के सेफ में ही जाकर मिलेगी। आप पहले भी वहाँ पे बहुत बार जा चुके हो, मेरे को पता है, हमको सब पता रहता है क्या क्या कांड करते हो। देखो तो सही भाई, मैं वहाँ पे बहुत पहले जा करके सोना लेकर के आया था, तो वहीं पर बैटरीज भी है यार, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया वहाँ पे बैटरी मिलती है। अच्छा मेरे भाई थैंक यू। तो यार अभी पट्टाभट से निकलते हैं और बैटरीज को लेकर के आते हैं, वहाँ पे सिर्फ सोना लेकर के आया हूँ कई बार, तो वहाँ पे कोई ज्यादा परेशानी मेरे को नहीं होगी, मेरे को रास्तों को सारा पता ही है। भाई मैं जगह पर आ चुका हूँ जहाँ से मैंने पहले गोल्ड चुराया था। अबे बदतमीजो, आने तो देते, मेरी प्यारी गाड़ी का मारोगे, पता है तुम्हें कितनी खतरनाक कार है, सीधा कर देती है 2 मिनट में। ये नहीं मानने वाले, ये बदतमीज है भाई, बदतमीज हो कितना ही आप समझा लो, ये नहीं मानने वाले। अभी मैं भी इनको मनाऊंगा, एक एलियन गन यहाँ पे छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे पे इतना टाइम नहीं है यार, मैं सभी बंदों को मारूं, बहुत ज्यादा मैं आज काम करने और डॉक्टर स्ट्रॉन्ग को ढूंढ के लाना है, फॉर्मूला को रेडी करवाना है। ये लो मेरे भाइयों, आई एलियन गन, अभी सभी जलने वाले हो आराम से। ओबे चाचा निकल ले यहाँ से, अभी गया था बस तू। ओके और कोई बचा हुआ है यार? एलियन गन से आजकल बंदे भी नहीं मरते क्या? मर तो गए यार, सारे ही मर गए, आसपास के चल गए, ये 2-4 बचे हुए हैं। ये ले बेटे तू भी ले मजे। भाई मैं ऊपर की तरफ आ चुका हूँ, अभी देखते कितने बंदे। खुल जा सिम सिम, लिफ्ट मेरी प्यारी प्यारी, जल्दी खुल जा। ये ले बेटे पहले ही खड़ा हुआ पिटने के लिए यहाँ पे। और कोई है क्या? और कोई मेरा प्यारा भाई? अरे भाई तो बहुत सारे हैं मेरे यहाँ पे। ये ले बेटे तू भी ले ले। ये ले चाचा कैसे परेशान है? अरे गोली नहीं दिखा तेरे पास? वो भाई सब बंदे देखो कितने सारे हैं यार, बहुत बंदे लगा के रखते गवर्नमेंट वाले। अरे बैट से मारेगा मेरे को, मेरे पास गन है यार, तू बदतमीज है क्या भाई? ये ले बेटे, ये ले बेटे तू भी ले। चाचा अभी ले ले थोड़ी सी। भाई मेरे को बैटरीज मिल चुकी है भाई, कितनी सारी बैटरी रखी हुई है, मैं तो कहता हूँ सारी की सारी उठवा लेता हूँ लेस्टर को बोल के मेरे भाई तू सारी उठा ले भाई, क्या पता कब किस बैटरी की जरूरत पड़ जाती है, इतनी सी बैटरी है और इसमें पता नहीं भाई क्या डाल के रखा हुआ, क्योंकि इसकी पावर बहुत ज्यादा बता रहे हैं सभी बंदे, तभी तो ये बैन करके रखे पब्लिक के लिए। अब ये सारी बैटरीज हमारे काम आने वाली। लेस्टर मेरे भाई मेरे को बैटरीज मिल चुकी है, जल्दी से गवर्नमेंट के अड्डे पे जहाँ पे अपना सोना रखते हैं वहाँ पे आ जा, बंदों को भेज दे, यहाँ पे और भी बंदे आ सकते हैं, बैकअप कभी भी हो सकता है, तो बैकअप से पहले तू भेज दे अपने बंदों को और बैटरी उठवा दे। भाई लेस्टर से बात हो चुकी है, लेस्टर बोल रहा है कि 2 मिनट में अपने बंदों को भेज रहा हूँ, टेंशन मत लो, और एक्सपेरिमेंट में बाद में बताऊंगा, सस्पेंस है थोड़ा सा, एक बार उसको सक्सेसफुल हो तो जाने दो, क्योंकि अभी तो मैंने उसको देखा है, जब मैं उसके ऊपर काम करूंगा उसको बनाऊंगा तभी तो कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। भाई बहुत ही बढ़िया खुशखबरी, हमारे टेरी ने पता लगा लिया बटिस्टा आइलैंड कहां पर है, तो भाई फटाफट से बटिस्टा आइलैंड पर पहुंचता हूँ और लेकर आता हूँ मिस्टर टिक्का को। भाई मैं बटिस्टा आइलैंड पर पहुंच चुका हूँ और बटिस्टा आइलैंड के बारे में आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर भाई सारे के सारे बंदे क्रिमिनल्स ही रहते हैं। अबे कौन बदतमीज है भाई जिसने आते मेरे ऊपर गोली चला दी? अरे भाई साहब, अरे यार सही बोला था निक्की ने, यहाँ पे सारे बंदे क्रिमिनल रहते हैं भाई, और ये सारे बंदे जेल से भागे हुए बंदे हैं, इन्होंने मिस्टर टिक्का को उठा के रखा हुआ है, अब ये पता नहीं क्यों उठा के रखा हुआ है, तो यहाँ पे इन सभी बंदों को मुझे पीट के सीधा करना पड़ेगा। अबे बदतमीज कौन गोली चलाता आते ही, तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी मैं सीधा करता हूँ, कहाँ पर है कहाँ पर है वो? भाई कौन है बदतमीज है भाई, कौन है तू है बेटे? भाई बंदे बहुत ही सारे जगह जगह पे खड़े हुए, बट एक नंबर के डरपोक है ये खड़ा हुआ, देखो ये देखो यहाँ पे खड़ा हुआ है, बस ये तो भाई बंदों को बाहर से डरा के रखते हैं कि हमने आइलैंड पे कब्जा करके रखा है, हम इतने सारे बंदे हैं। अरे मेरे भाइयों एक गोली चलती नहीं है, तुम लोग भाग पहले जाते हो, ये देख। अरे क्या हो गया बेटे? ए ले भाग के भाई, मैं तभी तो कह रहा हूँ बहुत डरपोक बंदे हैं जो सारे के सारे। भाई मैं ऊपर की तरफ आ चुका हूँ, एक कैसी गुफा बना के रखी है बंदों ने, भाई कमाल है, कैसे बंदे ये क्या क्या कर लेते हैं, क्यों बनाया यार, सच में भाई ऐसा आइलैंड मैंने अभी तक नहीं देखा, मैं शाका वाले आइलैंड पर भी गया हूँ बट ऐसी गुफा तो किसी ने भी बना के नहीं रखी। अरे यार बड़े टैलेंटेड बंदे यार तुम, तुमने तो आइलैंड का कुछ अलग ही बना दिया, क्या मस्त जगह है ये। ओ भाई ये कहाँ पे आ गया मैं निकल के? ओ भाई साहब आदि मानव लगे हुए हैं योगा करने में, अरे मेरे प्यारे प्यारे भाई। ओ भाई साहब ये क्या चीज़ है, ये तो कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी लेके रखे हैं। अबे भाई यो तुम्हारा तो योगा मैट कुछ अलग ही है भाई साहब, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। एलियन कंडा रखा हुआ है सामने, अरे यार ये एलियन कंडे आजकल मैं क्या बताऊँ, बस मुफ्त मिलते हैं भाइयों, साबुन के साथ फ्री मिलने लग गए क्या? इनके पिछवाड़े पे इतनी गोली मारूंगा मैं, हैं बे आदि, हैं बे मानव, भागे को ना यहाँ से निकल ले बेटे। ये डरपोक वाले आदि मानव भाई, ये दमदार नहीं थे बेचारे, ये तो भाग गए सारे के सारे, क्या कर रहे हो भाई, दीवार तोड़ के निकलोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो भाई प्यारे आदि मानव ने मेरे को बोल दिया मिस्टर टिक्का इसके ऊपर है, तो भाई मैं ऊपर की तरफ आ चुका हूँ, भाई कमाल हो गया, मैं तो टिक्का को ढूंढने आया था, यहाँ पे तो मेरे को डॉक्टर स्ट्रॉन्ग भी मिल गया भाई, यही वो बंदा जिसको मैं ढूंढ रहा था, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग ये मेरा फॉर्मूला बना के दे सकता है, बट भाई ये बंदा है क्या, खुद देखो तो सही यार। अरे मेरे भाई ये आपका चेहरा व्हाइट व्हाइट है, बिल्कुल कोट से मैच कर रहा है,
कमाल है, सीमेंट में डूब गए थे क्या आप? जो सीमेंट जैसे लग रहे हो मेरे को, कुछ तो गड़बड़ है दया। अभी ये आइटम ये हो सकता है फिर मिस्टर टिक्का। ए चाचा खड़ा हो ले जल्दी से, मैं तेरे को लेने के लिए आया, खड़ा हो जल्दी। हाँ चाचा, मिस्टर टिक्का नाम है ना आपका? भाई यही मिस्टर टिक्का है, तो अभी इन दोनों को मैं लेके चलूंगा। भाई हमने डॉक्टर स्ट्रोंग से बात कर लिया, ये मना कर रहे हैं कि भाई मैं काम छोड़ चुका हूँ, मेरे पे इतना टाइम नहीं है, सॉरी मैं आपके लिए फॉर्मूला को रेडी नहीं कर सकता, आप किसी और बंदे को ढूंढ लीजिए। अरे लेस्टर भाई समझाना इसको, कुछ जुगाड़ निकाल यार, गोली दे पटा इसको, बट भाई इसको भाई मना ले, इसी से तो हमें काम लेना है। फॉर्मूला अगर ये नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा यार, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। और निकी इसको लेने के लिए आई रही है, टिक्के को पता नहीं भाई इससे क्या काम है उसको, वो हम बाद में उससे पूछ लेंगे। फिलहाल ये डॉक्टर यार अभी बात नहीं मान रहा। भाई अभी मेरे पास टेरी का फोन आया, मेरे को उसके पास जाना पड़ेगा। मैंने लेस्टर को बोल दिया कि लेस्टर मेरे भाई प्लीज इस बंदे को समझा दे, कुछ ना कुछ बोल के इसको मना ले, बट फॉर्मूला को रेडी करवा, जो तेरे को अच्छा लगे वो कर, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। तो चलते भाई टेरी के पास। भाई अभी लेस्टर का फोन आया, मेरे को फैक्ट्री पे वापस जाना पड़ेगा, गड़बड़ हो गई है। मेरे को लेस्टर बोल रहा है कि भाई डॉक्टर स्ट्रोंग ने अपने लिए ओला मंगाई और वो वहां से चले गए, वो नहीं माने, और टिक्का को भी निकी ले गई थी। अभी लेस्टर ने भाई चेक करा तो फॉर्मूला गायब है, वो भी भाई अपने काम में लग गया था, अभी उसका फॉर्मूला पे ध्यान गया तो फॉर्मूला गायब है। तो इसका मतलब भाई मिस्टर टिक्का ने चुरा लिया हमारा फॉर्मूला, अरे भाई साहब, या फिर डॉक्टर ने चुरा लिया। अभी तो दोनों पे मेरे को शक है, ये डॉक्टर भी चुरा सकता है, डॉक्टर का एटीट्यूड बहुत ही अजीब लग रहा था मेरे को। फिलहाल अभी पता करता हूँ निकी से, निकी के पास गया था ना, निकी उसको लेके गई है अपने साथ, तो अभी निकी मेरे को बताएगी टिक्का कहाँ पर है। भाई मैंने निकी से पता कर लिया है, मिस्टर टिक्का उसी के पास है, पहुंचता हूँ फटाफट से, उस बंदे को मैं ठीक कर दूंगा। अगर उसके पास फॉर्मूला निकला उसको इतना पीटूंगा, इतना पीटूंगा आज, इसको मैं सीधा कर दूंगा। भाई मैं पहुंच चुका हूँ निकी के पास, ये रहा हमारा प्यारा मिस्टर टिक्का, थैंक यू निकी मेरी बात मानने के लिए। तो भाई एकदम से रुक गई थी, इसको कहीं पे जाना था तो ये मेरा वेट कर रहे थे। तो मेरे प्यारे प्यारे टिक्के जी, आप हमारी फैक्ट्री में घुसे, आपने वहां से कुछ चुराया, जल्दी से मेरे को बताओ नहीं तो मैं आपको जीदा कर दूंगा। भाई बंदा बोल रहा है कि ट्रेवर भाई आप कैसी बात कर रहे हो, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं किसी चीज के बारे में नहीं जानता, मैंने आपकी फैक्ट्री से कुछ नहीं चुराया। निकी जरा साइड हो ले, नहीं तो डंडा तेरे को भी लग जाएगा, फिर तू मेरे को मत बोलना, अभी ये मेरे से बहुत पिटने वाला है। चाचा जी तुम तो गए हैं ले बेटे, टिक्के जल्दी बता, मैं बहुत मारने वाला हूँ, जल्दी बता फॉर्मूला कहाँ है, फॉर्मूला कहाँ है मेरे प्यारे प्यारे भाई, फॉर्मूला बता दे, इतनी मुश्किल से तो उसको लेकर के आए थे, आखिरी हथियार वही है हमारे पास, नहीं तो बहुत मारेंगे मेरे को विलन, इतने खतरनाक विलन है हमारे शहर के। जल्दी बोल कहाँ है टिक्के, बोल 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 बोल, अबे बोल जल्दी से फटाफट से, लगता है बेहोश हो गया। अरे रे रे कोई बात नहीं, अभी होश में आएगा तब इससे पूछूं। भाई बंदा होश में आ गया, मैंने इससे पूछ लिया, दोबारा से ही बोल रहा है कि ट्रेवर भाई मैं कुछ नहीं जानता यार, इतना पिटने के बाद भी यही बोल रहा है, तो इसका मतलब डॉक्टर जी ले गए, ये डॉक्टर भाई बड़ा बेकार बंदा निकला। निकी ठीक है ले जा अपने टिक्के को, मैंने कर ली तसल्ली, तो इसका मतलब भाई डॉक्टर ले गया। यार ये डॉक्टर कितना बदतमीज निकला, मतलब देखो तो सही हमारे लिए एक्सपेरिमेंट नहीं बनाया और एक्सपेरिमेंट चुरा करके ले गया हमारा, इसको मैं सीधा कर दूंगा। अभी पता करता हूँ लेस्टर भाई डॉक्टर का पता निकाल, इतनी मुश्किल से तो उसको ढूंढ के लाए थे, उस आइलैंड पे तो चला गया दोबारा से। भाई लेस्टर का मेरे पास अभी फोन आया, उसको ऑफिसर का एक और अड्डा मिला है, वही ऑफिसर जिसको कल मैंने मारा था, क्या पता डॉक्टर वहीं पे गया हो, उसको भी फॉर्मूले के बारे में इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पता है, कुछ ना कुछ लिंक मेरे को लग रहा है ऑफिसर के और डॉक्टर के बीच में, क्योंकि उसको मैंने ये नहीं बताया था कि फॉर्मूला क्या काम करता है, फॉर्मूला चुराने की वजह क्या है, इसका मतलब फॉर्मूला के बारे में पहले से जानता है। भाई मैं ऑफिसर के अड्डे पर आ चुका हूँ, अभी आराम से देखता हूँ यहाँ पे कहाँ मेरे को प्यारा प्यारा डॉक्टर मिलने वाला है। अरे भाई यहाँ पे तो सारे के सारे बंदे लड़ने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। अबे मेरे प्यारे भाइयों तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारा वो बॉस तो मैंने मार दिया कल, तुम्हें भी मैं आज लगता है मार कर ही जाऊंगा, एक बार चेक कर लो भाई। भाई मैंने लगभग पूरी जगह देख लिया है, डॉक्टर यहाँ पे कहीं नहीं है, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर के तो अलग ही ड्रेस है भाई, व्हाइट मुंह करके रखा हुआ है, व्हाइट कोट पहनता है बंदा, अलग से ही पहचान में आ जाएगा, यहाँ पे वो बंदा नहीं है। तो ये वैसे ऑफिसर का बेस है, तो इसको मैं खत्म करके जाऊंगा, क्योंकि ऑफिसर का एक भी बंदा जिंदा नहीं रहना चाहिए, कभी भी बंदे बगावत कर सकते हैं कि हम अपने बॉस का बदला लेंगे, तो भाई कभी भी इनके मन में बात आ सकती है, इसलिए मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूंगा। तो मेरे प्यारे भाइयों दो एलियन गन आ रही है, उनको झेल के दिखाओ जरा, हम भी तो देखे तुम कैसे बच पाओगे एलियन गन से, कहीं ना कहीं तो भाई मिल ही जाएगा, है तो हमारे शहर में। ओ भाई साहब बंदों को देखो कितने ऊपर चले गए यार, कभी कभी तो बहुत अच्छा असर करती है गन, कभी कभी बिल्कुल भी असर नहीं करती। ले बेटे गाड़ी उड़ी और तू भी उड़ ले, ऊपर वाले को देखो कहाँ जा रहा है। अबे मेरे भाई तू तो और भी ऊपर निकल गया। ले बेटा कैसा लगा, आया मजा? ओ भाई इधर देखो इधर कितना तगड़ा काम हुआ है। ले बेटे तू भी ले, मरे नहीं मरे? अरे यार इतनी सारी गोली खर्च हो गई और देखो बंदो कुछ भी नहीं हुआ। ले बेटे ऐसी लगी भाई, खुशखबरी लेस्टर का फोन आया, लेस्टर को पता चल चुका है डॉक्टर कहाँ पे छुप के बैठा है। डॉक्टर भाई उसी जगह पे बैठा हुआ है जहाँ पे मेरे को फॉर्मूला मिला था। डॉक्टर को कैसे पता चला भाई उस जगह के बारे में? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस डॉक्टर के साथ, क्योंकि वो जगह बहुत ही सीक्रेट थी ऑफिसर की, जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट चला रहा था, बंदों को उसने बेकार करा था, उसी जगह पे डॉक्टर है।
कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी से पहुंचता हूँ भाई फटाफट से उसी जगह पे। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ, अभी करता हूँ सीधा, चल मेरी फरारी फटाफट पहुंचा दे। आपको बताइए बहुत ही लंबा रास्ता है, पहुंचने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। इस डॉक्टर का तो मैं सर फोड़ दूंगा। अबे मेरे प्यारे डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, तू बहुत पिटने वाला है। मैंने सोचा था तू अच्छा डॉक्टर निकलेगा तो हमारे बहुत काम आएगा, तुझसे हम बहुत अच्छे अच्छे काम करवाएंगे। डॉक्टर जी क्या पर हो, नहीं छोड़ने वाला यार। अब की बार तो यहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है, सिर्फ गार्ड खड़े हुए यहाँ पे। हेले मेरे भाई तू भी ले, हेले चाचा तू भी ले। अबे कैसे परेशान हो, मार क्यों रही मेरे भाई। हेले बेटे कैसी लगी, आया मजा? अरे ले 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 ले। भाई मैंने पूरी जगह को चेक कर लिया है, डॉक्टर कहीं पर भी नहीं है। अरे यार अभी लेस्टर को बताना पड़ेगा कि भाई डॉक्टर यहाँ से भाग गया, गायब हो गया। अभी पता नहीं कहाँ पे मिलेगा, लेस्टर को सारी बात बता देता हूँ फटाफट से। भाई मेरी लेस्टर से बात हो ही रही थी, एकदम से मेरे सामने देखो डॉक्टर आ चुका है। अरे भाई मुझे लगता है इसने फॉर्मूला यूज तो नहीं किया या फिर इसने इनविजिबल वाला फॉर्मूला पी के रखा था। डॉक्टर मेरे भाई क्या हाल चाल है? देखो मैं नहीं चाहता मैं आपके साथ कुछ उल्टा सीधा करूं, अभी तो यही बोलना पड़ेगा। भाई विडो मेकर लेकर खड़ा हुआ है, इससे पूछता हूँ कि आखिर यहाँ पे आए कैसे, इससे कुछ बातें तो पूछूं, उसके बाद ही हमला करूंगा। एकदम से हमला करना शुरू नहीं करूंगा। तो डॉक्टर साहब आपको इस जगह के बारे में कैसे पता चला? ये तो एक ऑफिसर की जगह थी, मैंने उसको पेला, जल्दी से मेरे को बताओ आपको सारी चीजों के बारे में कैसे पता चला, फॉर्मूला के बारे में, हर एक चीज के बारे में। भाई पूरी कहानी खुल के सामने आ गई है भाई साहब। वो ऑफिसर तो भाई बहुत ही, मतलब क्या बोलूं, उसको तो कुछ पता ही नहीं था, उसको तो हमने फ्री में मार दिया। असली जो मास्टरमाइंड वाला बंदा है वो ये डॉक्टर है भाई। इसी डॉक्टर ने ऑफिसर को सारी चीजें बताई थी इस एस्ट्रॉइड के बारे में, इसके चीज के बारे में कि इसके अंदर से बहुत खतरनाक चीज मिल सकती है, हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। असली काम तो भाई ये किया करता था, और जो सात बंदों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा है ना वो इसी ने किया है। ये उस वक्त भी यहाँ पे था जब मैं यहाँ से फॉर्मूला लेकर के गया था, ये छुप के बैठ गया था एक कोने में, क्योंकि इसने मेरे को देख लिया कि तो सभी बंदों को मार रहा है, कभी मेरे को भी ना मार दे, इसलिए ये छुप के बैठ गया था। यही वो मेन बंदा है भाई जो माइन में खुदाई करवाया करता था, हर वक्त यही चेक करा करता था कि कुछ निकला है या नहीं निकला। हर एक चीज तो इसी की करी हुई है भाई, अगर ये नहीं होता तो ऑफिसर को कभी पता ही नहीं चलता एस्ट्रॉइड की, भाई वो कभी खुदाई करवाता ही नहीं है। असली बंदा ये है, इसको चाहिए था एक्सपेरिमेंट भाई, इसको चाहिए था फॉर्मूला, इसको बनना है हमेशा के लिए, अमर होना है इसको। है बेटे पूरी जिंदगी तो जीना चाहता है, बुढ़ापा नहीं आने देना चाहता। और भाई डॉक्टर मुझसे बोल रहा है कि सब कुछ सही जा रहा था बट तुमने आकर के मेरे सारे प्लान को बर्बाद कर दिया। वो जो फॉर्मूला तुम लेकर के गए थे यहाँ से वो मेरे लिए था और तुम उसको लेकर के चले गए, मैंने अपने ऊपर तो यूज ही नहीं करा, मेरे को भी तो ताकतवर बनना था, तुमने मेरी सारी प्लानिंग खराब कर दी और मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता था क्योंकि तुम बहुत खतरनाक हो, तुमने ऑफिसर को मार दिया, उसके सारे बंदों को मार दिया, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया। तुम फॉर्मूला लेकर गए, मेरे को पता था लेस्टर उस फॉर्मूला को कभी यूज नहीं कर पाएगा, उसको यूज करने का तरीका सिर्फ मेरे को ही पता है, तो मैंने पहले ही सोच लिया था लेस्टर नेट पे जरूर सर्च करेगा, इसलिए मैंने जानबूझ के नेट पर एक अपना ऐड डलवाया अपने बारे में, और उस ऐड को पढ़ के लेस्टर ने मेरे बारे में जाना कि एक डॉक्टर स्ट्रॉन्ग नाम का बंदा जो बहुत ही समझदार है वगैरह वगैरह। फिर तुमने मेरे को ढूंढना शुरू करा और मेरे को यह भी पता चला कि तुम मिस्टर टिक्का को भी ढूंढ रहे हो। फिर मैंने मिस्टर टिक्का के बारे में पता लगाया और मैंने देखा कि मिस्टर टिक्का बटिस्टा आइलैंड पर है, तो मैं भी बटिस्टा आइलैंड पर पहुंच गया ताकि तुम वहां पे मिस्टर टिक्का को लेने के लिए आओ और मैं भी तुम वहां पर मिल जाऊं, और फिर तुम मेरे को फॉर्मूला के पास लेकर के जाओ और मैं आराम से वहां से फॉर्मूला चुरा लूं, क्योंकि तुमसे फॉर्मूला मैं चुरा ही सकता हूं तुम्हारे साथ होकर के। अगर तुमसे मैं लड़के चुराने के लिए आऊंगा तो कभी मैं तुमसे नहीं जीत पाऊंगा। भाई बड़ा खतरनाक, क्या मस्त मास्टर प्लान बनाया तुमने चाचा फॉर्मूला लेने के लिए। देखो लेस्टर को बेवकूफ बनाया नकली ऐड डाल के, और मैं भी इसको लेकर के आ गया आइलैंड से, इसने एक्सपेरिमेंट को यूज कर लिया है, जो वो फॉर्मूला बचा था जिसको हमने ट्रेवर के लिए बचाया था चाचा ने अपने ऊपर यूज कर लिया है। अभी चाचा को मारना बड़ा मुश्किल होने वाला है। भाई चाचा ने हमला कर दिया, मैंने वीडियो मेकर निकाल लिया, चाचा सीधा कर दूंगा मैं आपको। भाई पता नहीं इसमें क्या शक्ति आई होगी, इसने किस चीज को छुआ होगा, ये चाचा मेरे को बहुत पीटने वाला है यार। कभी नहीं सोचा था ऑफिसर के पीछे इतना बड़ा बंदा होने वाला है, मतलब कितना दिमागदार बंदा। तो भाई अब मैं समझा 5 साल पहले इसने अपनी जॉब क्यों छोड़ी, इसने सोचा होगा कि मैं इस एस्ट्रॉइड के बारे में पता करके रहूंगा कि आखिर ये क्या चीज है ऊपर से गिरी थी, आज तक किसी ने इस चीज को चेक नहीं करा। तो इसने अपनी जॉब छोड़ी, ऑफिसर के पास आया, उसको बताई सारी चीजें, ऑफिसर ने खुदाई शुरू करी और ये भी लग गया काम पे, क्योंकि इसको भी पता था मैं अकेले इस काम को नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ एक पावर होनी चाहिए, वो भी गवर्नमेंट वाली पावर, और ऑफिसर ने इसको पूरा सपोर्ट करा। और देख लो भाई आज इसको चीज मिल गई 5 साल बाद आखिर, जो ये चाहता था। भाई इसको नहीं हो रहा कद्दू भी, इसने तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट कराया अपने ऊपर, नहीं तो एलियन गन से बहुत तो फर्क पड़ता है, बंदे गिरते तो है इससे। ले बेटे आया मजा, आरपीजी से ही गिरेगा तू भी। तो बेटे एक बात समझी डॉक्टर, इसका मतलब तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कच्चा है, तुम लोगों को आरपीजी से फर्क पड़ता है। अभी तू गया बेटे, तू तो गया नहीं गया। अरे भाई कभी मेरे को यहाँ से भागना ना पड़ जाए। अरे रे रे, ये बंदे को अभी भी कुछ नहीं हो रहा। ये ले बेटे आया मजा डॉक्टर, अबे तू इतना पिट रहा है, तू इतना जल रहा है तब भी तेरे कुछ नहीं हो रहा।
अबे भाई अब बीवी नहीं मरा, पड़े पड़े गोली चला रहा है, बदतमीज, तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। ये ले बेटे। भाई किस चीज का एक्सपेरिमेंट है, इस पाग का सर नहीं हो रहा, आरपीजी का सर नहीं हो रहा। फिलहाल मुझे लगता है पतली गली से बाहर निकलना पड़ेगा, ये डॉक्टर नहीं मानने वाला, ये तो मेरे को बहुत मारेगा। अभी आपको भी पता यार, इस फॉर्मूला के आगे ट्रेवर बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इस फॉर्मूला के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर तेरे को बाद में देख लूंगा। भाई मैंने कभी नहीं सोचा था यार कि इतना बड़ा मास्टरमाइंड बंदा बैठा होगा इस सब चीज के पीछे। तभी तो यार मैं भी सोच रहा था यार, ऑफिसर कैसे कर रहा है इन सारी चीजों को, उसको इस चीज के बारे में कैसे पता चला। ये डॉक्टर भाई पल पल की चीजें ये बताया करता था उसको कि कौन सा फॉर्मूला से कैसे काम करेगा। तभी तो भाई, नहीं तो हमारा लेस्टर इतना खतरनाक बंदा है, उसको ये पता नहीं चला फॉर्मूला को यूज कैसे कर रहा है, बट ऑफिसर को पता चल गया। तो ऑफिसर को इसने ही तो करके दिया था फॉर्मूला को रेडी। तो बस मेरे भाई, फिलहाल इस वीडियो के लिए सिर्फ इतने। आप लोगों तरफ ये वीडियो कैसी लगी और आपको हमारा डॉक्टर स्ट्रॉन्ग कैसा लगा, खतरनाक बंदा है भाई, मजा आने वाला है वैसे। भाई अगर आप चैनल पे नहीं है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके उस कॉल पर साइड कर दो। भाई अगर आपने मेरे सेकंड चैनल को चेकआउट नहीं किया, जाकर उसको चेकआउट कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको चिटी की वीडियो डालता हूं और इसका एक्सपर्ट शाम को 5 बजे उसी पर आने वाला है, उसमें जाकर के चेकआउट कर लो। भाई अगर तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड फॉलो नहीं किया, उस पर भी फॉलो कर लो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।